कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेरी जीत और विपक्षी एकता की सफल कवायद में शामिल होने के बाद अब राहुल गांधी का पूरा फोकस राजस्थान पर है। कांग्रेस यहां सत्ता में है और बीजेपी फतह हासिल करने के लिए पूरा दम भर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी को घेरने के लिए राहुल गांधी भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी मेवाड़ वागड़ की तरफ से राजस्थान में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्रियों और पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा के दौरे किए हैं। इसी मानगढ़ धाम से पिछले साल 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि पीएम मोदी की पिछली 6 रैलियों से ज्यादा भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में जुटेगी। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। उधर महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के अधिकतर जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं ने अब देश के मूल मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि 450 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का होने के बावजूद भी बीजेपी चुप है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आने के बावजूद डीजल और पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए हैं। देश में बढ़ रही बेरोजगारी और केंद्र की सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे पर भी बीजेपी निशाने पर है। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से हिंसा हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बीजेपी मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने में विफल है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मणिपुर मामले में सीधे प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधे होने का आरोप लगा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए